आगे होगी, जैसे जीपीएचआई अगर सर्वे हो रहा है उस हिसाब से मैक्सिमम जमीनों को हम निकाल। मैं पूरा मदद कर रहा हूँ मैडम, जो आपका जो स्टाफ डिप्यूटेट है फोन कर करके लोगों के पास सब आप फीस हो ना इस पे देखकर इसका पूरा डिटेल निकाल के इसका प्रॉम पेमेंट है क्या है, क्योंकि हमारे दो मुतवली हमको मद्देनजर रखते हुए बराबर जो अच्छे मुतवली है हम बिल्कुल उनका एहतराम भी करना है, उनके लिए जो सपोर्ट हो सकती है बोर्ड से सेंट्रल ऑफ काउंसिल से हम बराबर हम चल के करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के जो भी मनाए थे अपन बराबर दिलाएंगे, पर जहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है वहां पर बराबर एक्शन लेने का वक्फ बोर्ड को राइट है, इख्तियार है ना। हाँ मिसमैनेजमेंट नहीं है तो बराबर हम आपके साथ है, हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, वक्फ फंड बराबर है, हर चीज बराबर है, जैसा रूल्स के हिसाब से सब चल रहे तो बराबर वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से साथ देगा और इंशाल्लाह ताला मेंबर्स भी हमारे साथ देंगे, मेंबर्स भी अच्छे है हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर ऐसा गलत हिसाब में नहीं है, सब लोग मिलके जो है ना हम लोग सपोर्ट भी करेंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से भी हमारे नौशाद साहब है, हमारे गुलवरी मैडम है और हनीफ अली साहब है और आप हमारे दरक्षा मैडम है कश्मीर से, आप ऑनरेबल मेंबर है आप भी और हमारे अनवर बेग साहब है, सीईओ साहब है, हम लोग सब मिलकर और भी हमारे जितने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स है और हमारे केसीआर साहब से जिस से भी आप लोग जो सपोर्ट होना है बराबर हमारी सपोर्ट रहेगी, पुलिस की सपोर्ट हर चीज की, एमआरओ की, आरडीओ की, कलेक्टर की, जहां भी है आप लोग आके बोलिए बराबर हमारा डिपार्टमेंट साथ जाएगा, जिस चीज से काम लेना है बराबर लेंगे, अगर हमारे नॉलेज में नहीं है आप लोग मैंने कुछ तकलीफ बोली आप लोगों को तो हमको मालूम नहीं होता, जब तक डॉक्टर के लिए नहीं गए तो जब तक उन्हें दवा नहीं देता आपको टैबलेट नहीं देंगे उन्हें, आप जाके कंप्लेंट करेंगे ये बोले तो बराबर आपके साथ है हम, बराबर जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो हम छोड़ने का सवाल ही नहीं है, समझे वक्फ बोर्ड में यही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जगह जो है ना प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं, मतलब मालूम ही नहीं है वक्फ बोर्ड की नॉलेज में भी नहीं है, वो बाद में पब्लिक आके कंप्लेंट करी तो मालूम होता कि ये चीज बेच चुकी है बोलते। मैं गुजरात भी गया था, मैं हमारे सीएम से भी मिला गुजरात के, फिर मैं जो है ना दिल्ली भी गया, मैं केजरीवाल साहब से भी और भी लोगों से जो है ना ये वक्फ के मामले में मैं भी फिर चुका हूँ, मैं कर्नाटक में भी जब रोशन बेग वगैरह मिनिस्टर थे जब कांग्रेस के टाइम पे उस टाइम में भी गया, मैं भी 2001 से 4 तक चेयरमैन रहा, मैं उस टाइम पे अकबर भाई भी थे, अकबर नवंद साहब भी थे, फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट चले गई कांग्रेस की आई तो रिजाइन करके चले गए, फिर अभी केसीआर साहब जो है ना बुला के हमको बोले नहीं आप एक ऑनेस्टली काम कर रहे, बोले तो मैं ठीक है बोला भाई, क्योंकि यहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अब यहाँ तो केसीआर साहब को हम बोल के जो है ना पुलिस को जो है ना पर्सनली हम लोग जो है ना काम लेते हैं, मतलब जहां भी कुछ है तो हम पुलिस को भी यूज कर रहे हैं तो, और आरडीओ एमआरओ कलेक्टर सबकी सपोर्ट लेके हम लोग जो है ना वो चीज को हासिल कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब को भी महमूद अली साहब है होम मिनिस्टर उनको भी हम उसमें इन्वॉल्व करके उनसे भी सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी इस वक्त पहले रहती है एक अलग बात है, अभी केसीआर साहब की गवर्नमेंट बनने के बाद केसीआर साहब की सपोर्ट अभी है हमारे, क्योंकि जहां जहां पर लाइन इक्विपमेंट हो रही वहां पर पुलिस जो है ना पहले चेयरमैन का फोन गया तो कोई लाइट ले लेते थे कोई अहमियत नहीं थी, अभी हम फोन करने के बाद एक्टिव हो जा रहे हैं, पुलिस भी हमको सपोर्ट कर रही, कलेक्टर भी आरटीओ भी बात जगह नहीं कर रहे तो हम उसके ऊपर हम जो है ना और ऊपर के ऑफिसर को या मिनिस्टर को बोल के हम वो चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बात जगह क्या है स्टे ला ले रहे कोर्ट के ऑर्डर्स है तो वहां पर पुलिस भी मजबूर हो जाती हम भी मजबूर हो जाते नहीं, मगर इंशाल्लाह ताला सब मिलकर मुतवली साहिबान का भी सपोर्ट रहा और वक्फ बोर्ड का सब मिलकर कोऑर्डिनेशन से वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए जो ना मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मुतवली साहिबान के साथ है पूरी तरीके से, हमारी बोर्ड की सपोर्ट है पूरी, मेरी अकेले की नहीं पूरा बोर्ड अकबर साहब हमारे निजामुद्दीन साहब हम लोग सब मिलकर आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, कुछ भी है प्रॉब्लम आप वक्फ बोर्ड से रुजू हो जाइए, बराबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी सपोर्ट लेंगे, हमारे मिनिस्टर साहब का भी सपोर्ट लेंगे और हमारे मेंबरों का भी सपोर्ट लेके ऑफिसरों का सपोर्ट लेके बराबर वक्फ बोर्ड आप लोगों के साथ है जो अच्छा काम करने वाले हैं बराबर साथ देंगे और जब तक बोर्ड है बराबर आप लोगों के मेंबर्स आए मैं इनका
दिल्ली गए हैं, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना टाइम निकाल कर सब अलग अलग स्टेट से आए हैं, और हमारे मुतवली साहबान को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग कीमती टाइम निकाल कर आए, और हमारे ऑफिसर्स सबको सलाम अलैकुम। क्योंकि वफोर्ट एक ऐसा इदारा है, यहीं पर नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मंशा वफ के हिसाब से अगर वफ वोट को अगर चलेगा तो जो है ना कोई गरीब मुसलमान नहीं दिखेगा, क्योंकि आज इतने प्रॉपर्टीज है तो इसमें जो है ना सो मुतवलीज को नहीं बोल सकते हम, इसमें अच्छे मुतवलीज भी है, इसमें बास मुतवलीज जो है ना लैंड को बेच चुके।